So guys, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं Vivo के T3X डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर कॉन्टेक्ट नंबर पर फोटोज को सेव कैसे करेंगे। गाइज अगर आपने कोई नंबर सेव करा किसी नाम से, दूसरा नंबर सेव कर रहा है सेम नाम से, तो आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है कि भाई किस पर्सन का ये नंबर है। तो आप इससे जो है बचने के लिए आप उसका फोटो लगा सकते हो ताकि इजिली जो है आइडेंटिफाई कर सके कि ये किस पर्सन का कौन सा नंबर है। तो चलो थोड़ा सा डेमो करते हैं, आपको दिखाते हैं कॉन्टेक्ट नंबर फोटोज को सेट कैसे करते हैं। गाइस फोन के अंदर कॉन्टेक्ट नंबर फोटोज को सेट करने के लिए हम ओपन करेंगे अपने डायलर को, सिंपली प्रेस करना। आप चाहे तो जो नंबर सेव है उसमें भी कर सकते हो, उसको एडिट आइकन को प्रेस करते हुए सबको आप एडिट कर लेना, उसमें सेव करना जो करना है फोटोज वगैरह को लगा के सेव कर सकते हैं। मेरे केस में एक नंबर है, कंपनी का ही नंबर, इसको हम सेव कर लेते हैं। डिस्प्ले आपको थोड़ा सा डेमो करके दिखा देते हैं। देखो इसको सेव करने का नंबर्स को एडिट एंड बिफोर कॉल का ऑप्शन है, आप चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज इसको आप प्रेस करिए आइकन को, इस तरह से एक प्लस वाला साइन आएगा। ये गूगल एडिट के अंदर कर रहा हूँ, ध्यान रखना। इसको प्लस पे क्लिक करना है, क्रिएट ए न्यू कॉन्टेक्ट पे जाना है, उसको प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो लोकेशन होगा इस नंबर को सेव करने का, ईमेल आईडी या फिर आपके फोन स्टोरेज में होना चाहिए, ना कि सिम कार्ड में। सिम कार्ड में अगर होगा तो ये सेव नहीं होगा, बट एक बार आप ट्राई कर सकते हो करना चाहो। मेरे केस में सेव लोकेशन इसका जीमेल में है, जो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपने अगर चाहे तो ये डायरेक्टली नाम लिख के इसको सेव कर सकते हैं, बट इसमें फोटोज हमें सेट करना है, इसके लिए मोर डिटेल पे जाना है। इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, ऐड पिक्चर का आपको ये लोगो दिख जाएगा, इस आइकन पे क्लिक करना है। आप चाहे तो इंस्टेंटली उसकी फोटोज को कैप्चर कर सकते हो कैमरा वाले ऑप्शन को एक्सेस करते हुए। अदरवाइज आपने गैलरी में कोई इमेजेस वगैरह रखी है, इसको प्रेस करेंगे एंड यहाँ पर फोटोज का सिलेक्शन करेंगे। मेरे केस में यहाँ पर कैमरे से कोई फोटोज लेते हैं, अच्छा डेमो यहाँ पर कोई भी फोटोज एक दूसरा लेते हैं, उसमें एक्चुअली फोटो था नहीं, तो मेरे केस में एक फोटोज है। यहाँ पर इसको प्रेस करते हैं, क्रॉपिंग टूल मिल जाता है, इस तरह से जूम इन जूम आउट कर सकते हो जितना आपको रखना, चूज पे क्लिक कर देंगे और सेव बटन है, सिंपली सेव करेंगे तो ये जो है सेव हो जाएगा आपके कॉन्टेक्ट नंबर के लिए। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा सेव हो चुका है। और इस टाइप से आपने फोन के अंदर किसी भी नंबर पे आप उसका किसी भी पर्सन का जिसका नंबर है उसका फोटोज आप इजिली सेव कर सकते हो आइडेंटिफाई करने के लिए। आई थिंक समझ गए होंगे कॉन्टेक्ट नंबर फोटो सेट कैसे करना था Vivo के T3X डिवाइस के अंदर।